नगरी अयोध्या जहां आगामी 22 जनवरी का दिन अभूतपूर्व और ऐतिहासिक होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री के साथ कई बड़े नेताओं का भी आगमन होगा, जिसको देखते हुए अयोध्या में कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, जिसकी वजह से रामनगरी एक अभेद किले में बदल चुकी है। अयोध्या में परिंदा भी पर ना मार सके, इसके लिए ड्रोन और सीसीटीवी के अलावा बड़ी संख्या में विशेष तौर पर प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। नमस्कार, हम खड़े हैं लता चौक पर और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से एटीएस कमांडोज को यहाँ डिप्लॉय किया गया है और अयोध्या की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो उसके लिए यहाँ एटीएस की जो टीम है उसको उतारा गया है, एटीएस की जो कमांडोज है उनको उतारा गया है। और ये नया घाट का चौराहा है और नया घाट का जो चौराहा है वहाँ पर इनको बिहार का जो भ्रमण है रूट मार्च जिसको फ्लैग मार्च कह सकते हैं उसको कराकर फ्लैग मार्च के बाद इनको यहाँ लाया गया है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि जो एडीजी एटीएस है वो यहाँ थोड़ी देर में आने वाले हैं, उससे पहले जो कमांडोज हैं वो यहाँ इससे पहले शहर भर में फ्लैग मार्च कर रहे थे और अयोध्या की सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, कोई चूक न रह जाए उसके लिए जो है इन कमांडोज के यहाँ तैनात किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा व्यवस्था का खतरा बना हुआ था, लगातार आतंकी धमकियां मिलती रही हैं उनको, उसको देखते हुए इन कमांडोज को यहाँ उतारा गया। देख सकते हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो कमांडोज हैं वो काले कपड़ों में यहाँ तैनात हैं और इनको पूरे शहर में जो है कल इन्होंने फ्लैग मार्च किया था, आज भी ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और नया घाट का ये चौराहा है और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से लता चौक है और लता चौक पे काफी भीड़ है, उसके पीछे धर्मपथ है और जो 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 मेरे पीछे का जो इलाका है इधर जो बिल्कुल सरयू घाट की तरफ निकल जाता है और उसी जो चौराहे पे, क्योंकि ये सबसे प्रमुख चौराहा है शहर का, क्योंकि जो भी वीआईपी मूवमेंट होगा वो इस चौराहे से ही होकर होगा और उसके लिए इस तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो यूपी एटीएस के जो जवान हैं, जो ब्लैक कमांडोज हैं, जो विशेष ट्रेनिंग प्राप्त दस्ताबल है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जो किसी भी संभावित खतरे को पल भर में चकनाचूर कर सकता है, जो अगर किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा से जुड़ी हुई दूसरी संदिग्ध गतिविधियां होती हैं उसको वो तुरंत ही रोक सकता है। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से एटीएस के कमांडोज को यहाँ लाया गया है, तैनात किया गया है पूरी अयोध्या, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अयोध्या उनके आने की पूरी संभावना है और 22 तारीख को शहर में जो है कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी किया जा रहा है और इन कमांडोज को यहाँ उतारा गया है। वहीं इस दौरान एडीजी एटीएस मोहित अग्रवाल ने बताया कि 22 जनवरी के दिन पूरे अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों और एटीएस की कमांडो की तैनाती होगी, जिससे कि परिंदा भी पर ना मार सके। सर, किस तरीके की जिम्मेदारी है, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं और जिस तरीके का कार्यक्रम चला है, ये कहा है कि जो इनपुट आए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कई मैसेज आए जान से मारने की धमकी देने का, या फिर हम कहें कि जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उसको में विघ्न देने को लेकर भी तमाम चुनौतियां हैं, किस तरह की तैयारी चली है एटीएस की टीम? पिछले लगभग एक महीने से यहां पर तैनात है, इनकी संख्या में पिछले हफ्ते और बढ़ोतरी यहां पर की गई है। अयोध्या के जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, ऐसे लगभग 50 स्थानों पर हमारे कमांडोज 10-10 की नफरी में नियुक्त रहेंगे। इनके पास जो विश्व में अत्याधुनिक हथियार किसी भी पुलिस के पास हो सकते हैं वो सारे हथियार और उपकरण इनके पास मौजूद हैं। इनकी ट्रेनिंग भी उस स्तर की है जिसको हम वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग कह सकते हैं, तो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। इनकी लगातार ब्रीफिंग की गई है, इन्होंने पिछले एक महीने में पूरे अयोध्या की जियोग्राफी को समझा है और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर हमारे कमांडोज की नजर है। सर, 3 संदिग्ध पकड़े गए थे अयोध्या में, उसके बाद कहीं ना कहीं चुनौती आप लोग की और बढ़ जाती है, अब और ये कहा कि अब और सख्ती से निपटना पड़ेगा, चुनौतियां बढ़ी, तो इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, लगातार हमारे कमांडोज, हमारी टीम्स, ऐसे जो भी रेडिकल व्यक्ति हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, पूर्व में आतंकी घटनाओं में संलिप्त रहे हैं, उन पर नज़र बनाए हुए और उसी के तहत जो निगरानी हम लोग कर रहे थे,
पिछले दिनों में 3 व्यक्ति पकड़े गए और उनको जेल भेजा गया है। आने वाले समय में भी चुनौती निश्चित रूप से है, लेकिन हमारी टीम पूरी तरह से उसके लिए तैयार है और हम लोग हमारी टीमों को इसी के लिए आज यहाँ पर ब्रीफिंग की गई है कि आने वाले अगले 2 दिन इनको बहुत अधिक अलर्ट रहना है और अलर्ट होकर के इस चुनौती का सामना करना है। चूंकि हमसे बातचीत कर रहे थे IDG STF मोहित अग्रवाल, साफ तौर पर कहा है कि अब पूरी तरीके से जो ATS टीम है वो पूरी तरीके से तैनात है और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से 3 संदिग्ध पकड़े गए थे इसके बाद चुनौतियां बढ़ गई है और यहाँ पर ब्रीफिंग देने के लिए, क्योंकि जो तस्वीर में देखेंगे तमाम जो कमांडोज हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है कि पलक झपकते ही अपने काम को अंजाम देने में सक्षम है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी और अब ये पूरी तरीके से अयोध्या के एक एक कोने को एक एक चौराहे को बखूबी समझ चुके हैं और ये हमेशा सदैव जो है कि तैनात रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कहीं पर भी कोई किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। इसको लेकर अभी कुछ देर पहले ही ADG STF जो है वो यहाँ पर ब्रीफिंग देने गए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी टीम पूरी तरीके से अयोध्या में तैनात है और कहीं पर भी कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।